कोरोना के युग में और कोरोना होने के बाद के समय में मानसिक स्वास्थ्य, इसके बारे में आज बातचीत कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अभी कोरोना के इसमें सब लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, कोरोना के भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और इसमें जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बिजनेस के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स है, इसके भी एस्पेक्ट्स हैं, तो वो हम देखेंगे। अभी एक तो क्या है कि ये बहुत बड़ा लोगों को ट्रॉमा हो गया, तो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की बीमारी, PTSD, तो ये 30% से बढ़ जाएंगे, 30% बीमारियां बढ़ जाएंगी बिकॉज ऑफ कोरोना। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बहुत बड़ा स्ट्रेस है लोगों के जीवन में। मतलब ये तो ऐसा बोला जाता है कि हम बोलते हैं BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, 2000 साल पहले, 2020 साल पहले वो एक जमाना था, और अभी बाद में बोलते हम आफ्टर क्राइस्ट। अभी होगा ये बिफोर कोरोना BC और आफ्टर कोरोना AC। अभी आफ्टर कोरोना क्या क्या होगा हम देखेंगे। तो इसमें PTSD नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि उसके अलग अलग रीजंस हैं। अभी देखिए कि आज और इसके बाद में लॉकडाउन खुलने के बाद में भी मॉल्स बंद रहेंगे, पता नहीं कितने दिन, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, पब्लिक प्लेसेस, क्रिकेट के स्टेडियम्स, फुटबॉल हॉकी के स्टेडियम्स, कॉलेजेस, मॉल्स, मतलब जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ वहाँ लोग जाने के लिए कतराएंगे, पता नहीं करो ना हो जाएगा क्या, पता नहीं करो हो जाएगा क्या, मतलब वहाँ जाना, हाथ लगाना इधर उधर, तो बड़े बड़े रिसेप्शन है, पार्टीज है, कॉन्फ्रेंसेस है, वहाँ डर लगेगा लोगों को जाने के लिए। कम से कम अभी इसका वैक्सीन निकलने तक, और वैक्सीन हो सकता है दिसंबर जनवरी हो जाएगा या और टाइम लगता है, ट्रीटमेंट पता नहीं दिसंबर जनवरी तक आ जाएगा ट्रीटमेंट या और टाइम लगता है, काम तो सब लोग कर रहे हैं, तो जब तक ये ट्रीटमेंट आता नहीं, वैक्सीन नहीं मिलता, तब तक ये डर हमेशा रहेगा, तब तक ये डर हमेशा रहेगा। अभी हमको देखना है फिर इसका परिणाम क्या होगा मानसिक, तो मानसिक जैसा मैंने बताया कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर 30% बढ़ जाएगा, डिवोर्सेस का रेट कम से कम 25% बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपसी असंतुलन हो रहा है, पति पत्नी साथ साथ घर में रहते हैं, इतना कभी साथ कभी रहे नहीं शादी के बाद में, फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातचीत करना है, फिर तनफन होती रहती है, आपसी विचार पट्टे नहीं है, फिर झगड़े झंझट होते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, तो डिवोर्स का जो रेट है वो बढ़ जाएगा 25%, ऐसा एक लोगों का मानना है। ये पीरियड में चिंता बढ़ेगी, आगे क्या होगा क्या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, डिप्रेशन, नर्वसनेस आएगा लोगों को कि भाई अभी कुछ इसमें से बाहर निकलेंगे नहीं है, तो होपलेसनेस है, निराशा है, और उसमें कुछ लोगों ने खुदकुशी भी कर ली है, लोगों को गुस्सा आ रहा है, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, और हम तुम एक कमरे में बंद हो, ये एक्चुअली हो चुका है। अब लोगों को मतलब उसका ये आ रहा है कि भाई मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो एक जोक आपने पढ़ा होगा कि एक औरत पत्नी अपने पति को बोलती है कि आप मास्क लगाओ, तो बोले मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, घर में हूं, मास्क क्यों लगाऊं, न बोले वही चेहरा देख देख के परेशान हो गई। तो मतलब ये चल हुआ, एक अफ्रीकन औरत है, उसने कंप्लेन किया कि भाई मेरा पति जो है मेरे से बहुत ज़्यादा सेक्स की डिमांड कर रहा है अभी लिए लॉकडाउन पीरियड में, और उसकी कंप्लेंट उन्होंने की है और लॉकडाउन उठाने के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। तो ऐसा लोगों में इरिटेबिलिटी है, रेस्टलेसनेस है, अनिश्चित वातावरण है, मेरी नौकरी जाएंगी क्या, मेरा धंधा बढ़ेगा कितना कम होगा, पगार तनख्वाह जो है वो कम होंगी क्या, ज्येष्ठ नागरिक जो है उनको लगता है कि हम आइसोलेटेड हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे क्या, मुझे कोरोना का ज़्यादा डर है, तो फिर मैं मर गया तो क्या होऊंगा, बच्चों को खेलना होगा नहीं, बच्चे खेल नहीं सकेंगे मैदान में जाके, तो फिर वो घर घर में उनको रखना है तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे,
स्पेशल चिल्ड्रेन जिनको है और स्पेशल चिल्ड्रेन के जो पेरेंट्स है उनको अलग ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। देखो लोगों का इतना ये हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही, रेस्टलेसनेस हो रहा है, लोग चिड़चिड़े हो गए कि जो देवदूत है डॉक्टर्स लोग उनकी केयर लेने वाले उनके ऊपर लोग हमले करते हैं, जो पुलिस उनकी केयर कर रहे हैं उनको बोल रहे घर पे रहो उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। मतलब लोग वो भी देखते नहीं, खुदकुशी कर रहे लोग, शराब की दुकानें बंद है, शराब मिलती नहीं है तो लोगों को विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, उसमें लोगों ने खुदकुशी किया। तभी जब बाहर आने जाने के लिए कोई यात्रा कर नहीं सकेंगे, बाहर आना जाना घूमना दिमाग को शांति करना जरा तो वो बंद है, एंटरटेनमेंट नहीं है, घर में रहना है और इसमें फिर ज़्यादा झंझट झगड़ा और इसमें फिर अलग 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 मानसिक अस्वास्थ्य होकर मानसिक बीमारियां बढ़ सकती है। इसलिए काउंसिलिंग की लोगों को जरूरत लगेगी। अब इसमें क्या करना चाहिए, इसमें लोगों ने ये देखना चाहिए कि भाई एक दूसरे से झगड़ा करना नहीं कोई भी हालत में, तो एक दूसरे को समझ लो, वाद विवाद नहीं करना है, संवाद करना है। जब वाद नहीं करेंगे संवाद करेंगे, एक दूसरे का दृष्टिकोण समझ के लेंगे तो अच्छा होगा। फिर दूसरा, खुद को कीमतवान बनाओ, खुद की वैल्यू बढ़ाओ। अभी समय है आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने का। क्या होता है, आपके पास में टैलेंट बहुत है मगर स्किल नहीं है, तो फिर आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और फिर जो आपको बाद में काम में आएंगे। फिर वैल्यू बढ़ाना है तो मतलब कंप्यूटर के प्रोग्राम सीख सकते हैं, भाषाएं सीख सकते हैं, इंग्लिश के क्लासेस जिसको नहीं आती वो कर सकते हैं, बिजनेस कोचिंग आप लगा सकते हैं, अलग अलग जो फंडे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसा होता है, यूट्यूब के वीडियोज कैसे बनाना, कैसे वो पब्लिश करना, मतलब वो सीख सकते हैं। तो खुद को कीमतवान बनाओ, खुद की वैल्यू बढ़ाओ। ये देखो कि ये भी समय निकल जाने वाला है, ये डर डर के लोग जिएंगे तब तक जब तक वैक्सीन नहीं निकलता, लस निकलती नहीं है या इसके ऊपर दवा निकलती नहीं है, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तब तक अपने को शांति से धीरज से काम करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली जो बात है वो है कि लोगों के जीवन में मैं क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। देखो अभी दो तरह के लोग हैं, एक है कि जो टीवी के ऊपर अलग 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 रेसिपी कैसे बनाना वो देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं और अच्छे अच्छे खाना घर में पका के खाना खा रहे हैं, और दूसरे तरफ ऐसे लोगों की जिनको एक टाइम भी खाना नहीं मिल रहा है, इतना कॉन्ट्रास्ट है। कुछ कुछ लोग हाउसी खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे, मतलब वीडियो के माध्यम से हाउसी खेल रहे, गेम्स खेल रहे और अपना टाइम पास कर रहे, एंटरटेनमेंट कर रहे, और कुछ लोग 500-500 रुपए के लिए बैंकों के सामने लाइन लगा रहे हैं, और कुछ लोग ये हाउसी खेलने में 500 रुपए वैसे ही उड़ा दे रहे। तो इतना कॉन्ट्रास्ट है। हमारे देश में 1% लोगों के पास में 55 से 58% संपत्ति है, तभी टाइम है कि वो 1% लोगों ने बाहर आके लोगों के जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लोगों को हम कैसा, लोगों के जीवन में कैसा योगदान करेंगे वो देखते हैं। तो लोगों की सांपत्तिक स्थिति, उनकी उनका लेवल जो है वो ऊपर हो जाएगा और आपको बहुत आनंद मिलेगा कि नहीं भाई मैं लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि जब आप देते हो तो बहुत खुशी मिलती है, और जो देने वाले को है ना भगवान 1000% ज़्यादा 1000 times ज़्यादा वापस कर देता है। तो इसलिए आप दाता बनो, देना चालू करो, उसमें दिल को भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी तरह की मानसिक बीमारी होंगी नहीं जब आप देना चालू करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।